नमस्कार भैया बहनी, अपना पंजा देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। जिला के तेउथर जनपद पंचायत में ही सीईओ के मनमानी चरम पर रही, जो उन्हें के नतीजा यह भाग के फरहदी ग्राम पंचायत में शासकीय तालाब के भूमि में पीएम आवास के निर्माण कराए देगा। उन्हें जब मामला सुर्खिन में छाबा तो आनंद फानन में निर्माण के काम बंद करवाए देगा। अब आला अधिकारी मामला के जाँच के आश्वासन दे फिरत रहे हम। अब प्रशासनिक अमला निर्माण कार्य का रोके के बात कही के वाहवाही लूटे में जुटी है और निर्माण में बुलडोजर चलवावे के तैयारी शुरू कर रहे हम। मामला अभी संज्ञान में आया है, एक दो दिन पहले समाचार चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें नायब तहसीलदार ने तत्काल रोक लगाई है निर्माण कार्य पे और इसके संबंध में सीओ जनपद को भी निर्देशित किया गया है इसकी जांच करके और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराए। रीवा में शिवसेना पार्टी के युवा सेना इकाई रीवा एसपी नवनीत सिंह भसीन और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा थाना सिटी कोतवाली थाना सिविल लाइन के साथ है यातायात प्रभारी अखिलेश सिंह, यातायात पुलिस और अन्य थाना प्रभारी के शिवसेना पार्टी के युवा नेता टीम फूलन से पुलिस प्रशासन के स्वागत करेंगे। थाना सभी प्रभारियों का बहुत सहयोग था, उन सभी को गुलदस्ता देकर मैंने शिवसेना परिवार ने हमारे सबका सम्मान किया और शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहे और शिवसेना पार्टी की कभी भी ज़रूरत पड़े हमेशा जनता के लिए और प्रशासन के लिए साथ में खड़ी है। नाम बता दीजिए अपना। मैं अतिशा जैन, जिला युवा सेना प्रमुख शिवसेना। कि शहर की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमेशा एक सराहनीय कार्य होता रहेगा और हम लोगों ने भी एसपी साहब जी को हमने शिवसेना की तरफ से ये कहा, मैसेज दिया कि जब कभी भी पुलिस प्रशासन को हमारी या हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होतला है, जो वहीं द्विपक्षन के बीच हो वाले विवाद में ही समझौता करावे पहुंचे परिवार के साथ विवाद करे वाले दोनों पक्ष के लोग जम के मारपीट कर दिन। यह विवाद आदिवासी समाज के लोगन के बीच होत रहा, जोने माही शुक्ला परिवार के लोग जब समझावे के कोशिश करें तब विवाद करे वाले शुक्ला परिवार के ऊपर लाठी बरसाए दिन। बनाओ वीडियो सारा कर्म कराए ला है बे जा बनाए ला वीडियो सगले रदाई के बाद तो मिला ये देख ले डीजल और बढ़ा सिलेंडर के दामन कलई के एनएसयूआई कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार का सद्बुद्धि दे के लाने बुधवार का रीवा के कोठी कंपाउंड मंदिर में हवन कई के सरकार का सद्बुद्धि दे खातिर भगवान से प्रार्थना करें। रीवा के कोठी कंपाउंड में स्थित शंकर जी के मंदिर में हवन करें। जनता कांग्रेस का आज ये हवन कार्यक्रम किया जा रहा, क्या है उद्देश्य? आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, अभी आज और कल के अंदर ही देखा गया है कि 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं और 50 रुपये सिलेंडर के दाम और 80 पैसे और 50 पैसे 78 पैसे डीजल के दाम, जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का जीवन जीना इतना मुश्किल होता जा रहा है। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे माता पिता फीस जमा करके किसी तरह पढ़ाते हैं छात्रों को, हम लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो हमारे परिजनों को पढ़ाने में हम लोगों को बहुत समस्या आ रही। आज शहीद दिवस के मौका में ही देश ओ वीरन का नमन कर रहा है जे देश के आज़ादी खातिर अपने प्राणन के बलिदान कर दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ई ऊ नाम माही जिनकर कर्ज पूरा भारत का बौना उतार पाई। उसकी एक तस्वीर भी वो जनता के बीच में रखना चाहे। आज़ादी के बाद देश के की हुकूमत कैसे लोगों के हाथ में जाए इसके बारे में भी वो सोचते थे और इसी का प्रभाव है कि वो खुले आम कहते थे। जिला के गुड़ विधानसभा के क्षेत्र के गुड़गांव बुढ़वा आदि स्थानन के मुरुम पहाड़ अवैध उत्खनन के कारण अपन अस्तित्व खोए रही हम। ई पहाड़ प्रकृति के अनुपम देन आए जिनका बचावे के प्रयास कीन जाए चाहिए। विकास के नाम मां सलगी पहाड़ी साफ हो रही हवे पर देखे वाला केव नहीं आए, जौन के बहुत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हवे। ए मामला में ही समाजवादी जन परिषद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अजय खरे का कुछ बता रहे हैं, अपनो सुनी। खबर रीवा से हवे जहां दो ट्रक में टक्कर हुई गए, इस समय पीछे से आवे वाला तीसरा ट्रक घलाए टकराएगा, जोने माही तीसरा ट्रक के चालक और खलासी घलाए
घायल हो गए। घटना चोराटा थाना के अंतर्गत दुआरी बाईपास के बताई जाती है। हाँ, ये गाड़ी ओवरटेक हुआ, ये जो है कूद के भाग गया है, ये ड्राइवर फंसा हुआ था, निकाला गया है। ये भी इनका उपचार के लिए भेजा गया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग हैं? ट्रक वाले हैं, आपस में भिड़े हैं। इसमें ड्राइवर खलासी दोनों थे, दोनों बच गए हैं। सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस नेता गजेंद्र दुबे विधानसभा के गांव अटरिया के हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां हनुमान जी महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में शामिल भे। क्षेत्र के जनता जनार्दन से मुलाकात करके उनकर हालचाल लेके होली के बधाई दीन और सदस्यता अभियान के माध्यम से सैकड़न लोगन का ही कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जोड़े के प्रयास करें। दुबे जी के हाथ से ये संत भी हैं, नेता भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारा बड़ा सहयोग हमेशा करते रहते हैं। इनके हाथ से ये सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं सारे लोग एक साथ सबको। रीवा जिला के नव निर्मित नगर परिषद वन क्षेत्र डभौरा में आवे वाले गांव खैरहा से सटे जंगल में ही बिहन्ने से आग लगी है। अपना बता दे कि भीषण आग के जानकारी वन विभाग का फोन पर दीन गए, पर ओखे बादो वन विभाग के कर्मचारी अब तक आग बुझावे के प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।